सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। ये समस्त भव बंधनों का नाश कर परम शक्ति प्रदान करने वाले भगवान के पवित्र जन्म स्तुति का श्रद्धा पूर्वक गान करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केही विधि करऊं अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट सिरिकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेद कहे मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही ते न परही भव कूपा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री राम।